नाम तनिष तालुका है। मैं क्लास 9th जेपी नेवरा का छात्र हूँ। मेरे मॉडल का नाम थर्मोकोल कटर है। इसे बैटरी के माध्यम से चलाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल हम थर्मोकोल को आसानी से काटने में कर सकते हैं। जिस प्रकार हम कटर से मामूली कटर से काटते हैं तो फिनिशिंग से नहीं कटाता, तो हम थर्मोकोल कटर का यूज करके हम थर्मोकोल को आसानी से काट सकते हैं, जैसे कि हम दिखा सकते हैं। हमने यहाँ बैटरी से जुड़ा वायर और फिर हमने स्विच ऑन कर दिया, ये स्विच ऑन कर दिया। अब यह वायर के माध्यम से यह गर्म होगा। जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि अभी गर्म हो चुका है और इसे हम आसानी से काट सकते हैं। ये आसानी से कर चुका है और फिर दोबारा काट सकते हैं। इसे हमें जैसे इसे जिग जैग करते हैं, जैसे कहीं मर्डर बना रहे हैं, राक्षस पर दास पर, तो हम इसे ऐसे काट सकते हैं। जिग जैग जैसे पहाड़ के आकार में, ये बड़ी आसानी से कट आ गए, जैसे कि आप देख सकते हैं। जिस प्रकार हम इसे सीधा सीधा काटना है हमें, जैसे हमने इस पर सेब बना के रखा है, ये सीधे सीधे कटा रहा है बिना परेशानी के। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये कटा रखा है। अब इसमें हमने सेब बना कर रखा है। अब जैसे कि हमें इसे काटना है, ये कटा रखा है। और मेरा दूसरा मॉडल है दो बैल, जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि घर में या फिर हमारे अलमारी का या फिर दरवाजे का दरवाजा कोई खोल है। यह मेरा दूसरा मॉडल है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसे भी बैटरी से भी चलाया जा सकता है। इसमें सामग्री लगी है, एक बैल, एक डीसी मोटर और एक 9 वाट का बैटरी और एक स्विच और ये क्लॉथ पिन। जैसे कि हम इसे आपको यूज करके ही बता सकते हैं। मैं इसके आपको प्रयोग करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि यह जो हमने पिन पर वायर लगाया है, इसके छुआने से ये वायर टच होने से डोर बेल बजेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया है और ये दरवाजे पे, जैसे ही दरवाजे खुलेगा आप देख सकते हैं ये बजना चालू हो गया था। तो फिर इसे बंद करने के लिए हम स्विच ऑफ कर सकते हैं, स्विच को ऑफ कर सकते हैं। अगर कोई चोर आ रहा है तो उसे पता नहीं चलेगा कि इसे बंद कर सकना है और वो बजते रहेगा। अब इसे हम रोक देते हैं। इसकी आवश्यक सामग्री तो हमने बता दी, तो इसको उद्देश्य है कि बढ़ती चर्बी को कम करना। जैसे कि चर्बी से बहुतों का नुकसान हो जाता है और फिर इससे पता नहीं चलता कि कहाँ कब चर्बी हुआ, कैसे चर्बी हुआ। तो इस मॉडल को, इस यंत्र को लगाकर हम पता कर सकते हैं कि कहाँ चर्बी हो रहा है। इसे हम घर, ऑफिस, मंदिर, दुकान, अन्य जगहों में लगाया जा सकता है। इसका यह बहुत लाभदायक है।
मेरा तीसरा मॉडल है, इसका नाम है टेलीफोन टू अवॉइड फोन रेडिएशन, जो आजकल मोबाइल से निकलते रेडिएशन के चलते हमारे कान में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमें कान में मशीन भी लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इससे बचने के लिए मैंने यह मॉडल बनाया है। ये जो पहले लैंडलाइन वाले फ़ोन होते थे उसमें से सुरक्षित तरीके से हम बात कर सकते थे, पर जो आजकल जो हम साथ में लेके चलते हैं मोबाइल, उसमें से बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन निकलता है, जिससे पक्षियों को और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी वो हानिकारक होता है। इसी से अगर हम बात करते रहते हैं तो पसीने के कारण हमें मोबाइल से करंट झटका भी लग सकता है। इसी से बचने के लिए मैंने यह टेलीफोन बनाया है। इसमें लागत भी ज़्यादा नहीं लगती। इसमें ये जो पुराना लैंडलाइन फ़ोन आता था इसका रिसीवर और ये ईयरफोन वायर और इसमें स्पीकर लगे हैं और माइक, जिससे हम बात भी सुन कर सकते हैं और गाना भी सुन सकते हैं। जैसे हम इसे अब प्रयोग करके दिखा सकते हैं। तीन, जैसे हम इसे अभी फ़ोन से कनेक्ट कर चुके हैं, अब इसमें हम फ़ोन लगाएंगे। भूत राजा को जो देखिए, जैसे इसमें कॉल लग रहा है, आपको आवाज़ आ ही रहा होगा। देखिए जैसे फ़ोन उठा लिए हैं। हेलो 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 हेलो, जैसे इसे हम अब कहीं भी रख सकते हैं, इस जेब में और इस जेब में। हेलो, जैसे कि हम बात भी कर सकते हैं। हेलो 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 हेलो, अब इसमें से भी बात होगा। हेलो हेलो, आवाज़ आ ही रहा होगा। हेलो, इसी तरह से हम इससे दूरी से बच सकते हैं, जैसे हमें इससे मोबाइल रेडिएशन भी नहीं होगा, रेडिएशन से खतरा बचे रहेगा इसमें हमें।